अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर बीते 33 दिनों से अतिरिक्त विषय के डिग्रीधारी अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से पिछले वर्ष रीट लेवल के 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें 21,000 पदों पर सरकार की तरफ से नियुक्ति दे दी गई है, मगर लगभग 5,000 से 6,000 पद ऐसे हैं जिनमें सरकार की तरफ से नियुक्ति बाकी है। ये अभ्यर्थी पिछले 33 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे आज बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, कहाँ तक आपकी बात पहुँची? सर, बात का ये है कि बात तो पिछले 33 दिनों से हम पहुँचा ही रहे हैं, लेकिन हमें इसका कोई लीगल या लिखित ऐसा कोई ऑफिशियल कोई काम नहीं किया इन्होंने, जिससे हम ये आश्वस्त हो सके कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी। अभी भी हालात तस के तस बने हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारे साथ में नियोजित कदम उठाकर हमें स्कूलों में भेजा जाए। और जो ऐसा कहा जाता है कि देश का भविष्य स्कूलों में पलता है, तो जब अगर हम पढ़े लिखे शिक्षक यहाँ रहेंगे तो उन बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? तो इसलिए भजनलाल सरकार से मेरी यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द स्कूलों में पहुँचाए, हमें नियुक्ति दे, वरना ये धरना यूं ही जारी रहेगा। सर, रीट 2015-16 थर्ड ग्रेड, जी सर, 18 थर्ड ग्रेड में सरकार की तरफ से अतिरिक्त विषय से जिन्होंने चयन लिया है उनको सरकार ने नियुक्ति दी है, और 2022 में जो थर्ड ग्रेड परीक्षा थी उसमें सरकार नियुक्ति देने में इतना क्यों घबरा रही है? सर, इसका कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन एडिशनल ये विषय कराते हैं तो ये मैं मानता हूँ जब देश की इन्हीं नामचीन यूनिवर्सिटियाँ करा रही है तो कहीं ना कहीं हमें मतलब इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? मतलब यूनिवर्सिटियाँ डिग्री देती है और नौकरियाँ दे रही है, पहले भी ऐसा हुआ है, अब की बार पता नहीं इनके मन में क्या था और ये कहाँ से हुआ, हमें इस प्रोसेस का आज तक पता नहीं है। हमें तो एग्ज़ाम दिला दिया जाता है, फिर वेरिफिकेशन करा दिया जाता है और भी प्रोविजनली कंसीडर्ड करके हमको छोड़ दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में बहुत ही बुरा कुटारा का आता है। और यहाँ सभी 33 जिलों के अध्यापक लोग आए हुए हैं, वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं इसका तो शब्दों में बयान करना ही बहुत मुश्किल है। सर, आने वाले 10-12 दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है, अगर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू नहीं की जाती है तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? नुकसान तो पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। पहले भी हम 5-6 महीने से इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, और ये देख लो आप कि सब यहाँ पे सब बैकवर्ड परिवार से, सब किसानों के बेटे हैं, किसानों के बच्चे हैं यहाँ पे सब, और सब मतलब इतने सब बेरोजगार तभी तो यहाँ बैठे हैं, और 5-6 महीने सब परेशान हैं यहाँ से। प्रदर्शन जब तक हमारा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाए, जब तक हमारे को स्कूलों में ना भेज दे, जब तक हमारा धरना यूँ चलता रहेगा। देखिए, तमाम चयनित शिक्षक हैं जो लगातार पिछले 33 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से रीट लेवल 2 के शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले वर्ष शुरू हुई थी, उसमें लगभग 5,000 से 6,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया देनी बाकी है, और ये लगातार पिछले 33 दिनों से अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।